हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो हम ये बताएं ना कि 2.5 लाख नौकरियां दी पीपल्स पार्टी ने तो महाजनों को कितनी मिली, गिन ले आप। कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, सखर वालों को कितनी नौकरियां मिली बता दें। अब इस पर बात करें, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, उसका तायुन होना चाहिए, हमारे तशख्खुस का तायुन होना चाहिए। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में महाजरों का एक किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान के कौमी धारे में महाजरों का हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान के रोजगार में महाजरों का हिस्सा होना चाहिए। हम कैसे उस पार्टी से मर्जर कर सकते हैं कि जो महाजरों को गर्दानती नहीं है, उनके खिलाफ होने वाले जुल्म की बात ही नहीं करती। अब तो मेरे हजारावाल के साथी वकार शाह मेरा एमपी है, वो महाजरों के हुकूक की जंग असेंबली में लड़ता है और खुदा की कसम हम कराची में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। हम कराची में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। महाजर आवाम कल से दिल गिरफ्तार हैं। जो कल उनकी दिल आजारी हुई है, इससे पहले उनकी दिल आजारी नहीं हुई थी। हमने ये फैसला क्यों किया मफाहमत का, वर्किंग रिलेशनशिप का, सियासी इत्तेहाद का? इसलिए कि कराची के अमन को देरपा अमन बना सकें, इसलिए कि अगर महाजरों की सियासत या कराची में मुतवसत तबके की सियासत करने वाले तकसीम हो गए तो कोई बात नहीं, उनके कारकुनान आपस में महाज आराई से गुरेज करें, उन कारकुनान अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की पॉलिसी को हर हाल में कामयाब करें। महाजरों का और मजलूमों का वोट बैंक जो सिंध के शहरों में है वो तकसीम ना हो, ये 3-4 बड़े मकासद थे। जो वडेरों का गासबाना कब्जा है सिंध पर, दही सिंध के वडेरों का और उसके असरात, और वो कब्जा अब सिंध के शहरों में भी नजर आ रहा है, यहाँ की ज़मीनों पर, यहाँ के वसाइल पर, यहाँ के बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल पर, उस कब्जे को खाली कराना। एक लफ्ज भी मेरे उस दोस्त ने, मेरे भाई ने, मुस्तफा भाई ने, ये जो 4 बड़े मकासद थे कि अमन को इस्तेकाम हो, दवाम हो, मैंने कहा ये, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि MQM का नाम खत्म होना चाहिए और उनके रफ़का आज भी टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम MQM को दफन करेंगे। एक मैंडेट रखने वाली पार्टी को आप दफन करने का दावा कैसे कर सकते हैं भाई? आप अवाम की तौहीन और तजलील कर रहे हैं, उनके मैंडेट की तौहीन और तजलील कर रहे हैं, आप जमहूरियत की तौहीन और तजलील कर रहे हैं, और पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी औलादों और उनकी कुर्बानियों की बेतौखीरी और तजलील कर रहे हैं। खुदारा ऐसा ना करें आप। देखें, मफाहमती बात या जो मकासद मैंने बताए, अमन को दवाम हो, इस्तेहकाम मिले, पोलराइजेशन ना हो, सियासी कारकुनान में तशद्दुद ना हो, अदम तशद्दुद अदम तसादुम की पॉलिसी को हम कामयाब बनाएं, मैं और मुस्तफ़ा भाई दोनों मिलकर कामयाब बनाएं, हमारा ये मकसद था। फिर हमने ये भी कहा कि अब जब महाजर आवाम की दिल आज़ारी आप करेंगे, जब आप उनकी कुर्बानियों की तौहीन करेंगे, तो मुझे बताएं कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो मेरे कारकुनान ये समझ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर रो रहे हैं, मैं उनके आंसू देख रहा हूँ, मुझे पता है वो रोए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अमल ज़मीर फरोशी है, वो ये कह रहे हैं कि फारूक भाई पर
अपने ही साथियों का दबाव है और ये हमारी आला कयादत बिक गई। अब जाहिर है कि मैं नेक नियती से और अखलास के साथ, कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है, कराची का इस्तेहकाम पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये कौमी शहर है, ये तरक्की का मरकज, ये तरक्की का इंजन है। इस शहर को बचाने के लिए अगर हमने दोस्ती का, मफाहमत का हाथ बढ़ाया, एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक सियासी इत्तेहाद और इलेक्शन इत्तेहाद की बात की, तो हमने अपनी स्पेस में भी आपको जगह देने का फैसला किया। आपकी मिलियन मार्च की रैली को टेलीविजन दिखा रहा है। एमक्यूएम ने दावा नहीं किया 5 नवंबर का जलसा हमारा मिलियन मार्च है, और जो कैमरा, हेलीकॉप्टर कैमरा, ड्रोन कैमरा, जब ड्रोन कैमरा चला तो सबके सीनों पर सांप लौटे। दुरुस्त या गलत? खलबली वहां से मची। मैंने कहा खुदा, देखिए मैं कभी मुस्तफा भाई के लिए ये बात नहीं करता, लेकिन मेरा कल दिल दुखाया उन्होंने, मुझे सदमा हुआ जिस तरह की गुफ्तगू वहां की गई। मुझे अफसोस हुआ कि कल तो आप अगर बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा समझते हैं, यार हमने तो ये फाइनल फैसला, मैंने 5 नवंबर के जलसे की कामयाबी के बाद ये फैसला किया और ये सोच लिया कि अब हम बड़ी जमात है, ये हम दावा करते थे। इस जलसे ने कराची की हालिया तारीख में भी साबित कर दिया कि आवाम की अक्सरियत आज भी एमकेएम पाकिस्तान के साथ है। तो हमने सुने यार, सुने भाई, तो हमने, ये आखिरी बात कर रहा हूं मैं, तो हमने, मैंने ये फैसला किया था कि वो जो एक इक्का दुक्का रापते हुए हैं पीएसपी के साथ, इक्का दुक्का रापते हुए हैं और जो बात चली है, और जलसे से एक या दो रोज पहले मेरी अनीस कायम खानी भाई से मुलाकात हुई, सिर्फ दो रोज पहले मेरी जो बकायदा मुलाकात हुई, सिर्फ दो रोज पहले जलसे से, और मैंने कहा कि उन्होंने भी अच्छी बात की है, अनीस कायम खानी भाई ने अच्छी बात की, तो मैंने कहा आप इस बात को आगे बढ़ाएं। ये जलसा अल्लाह ताला की हिमायत और ताईद के बगैर नहीं हो सकता था, बेवसीला। यकीन मानिए कि कोई भत्ते की शिकायत आज तक नहीं आई है, एक साल में, मुझे बता दे, एक साल में कोई एक शिकायत, एक भत्ते, एक चैनल ने कहा था कि 25,000 रुपए यूसी चेयरमैन को कहा गया है, किसी एक यूसी चेयरमैन को लाके खड़ा कर दें मीडिया में और वो कह दें फारूक सत्तार भाई या एमक्यूएम की राबता कमेटी ने कहा था, जिस आदमी ने कहा था उसको राबता कमेटी उस आदमी को निकाल बाहर करेगी। अपनी मेहनत से, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से चंदा करके, आपस के डोनेशन से ये जलसा किया, महीने का खर्चा भी इसी तरह चला रहे हैं, कहीं से कोई पैसा नहीं ले रहे, जैसे पाकिस्तान बनाया था और चलाया था, स्टेशन पर बैठकर सिगरेट की पन्नी पर, सिगरेट के पैकेट पर दरख्तों की शाखों से कलम बनाकर पाकिस्तान का नज्म व नस्क चलाया था। खुदा की कसम 5 साल के लिए ये पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान को दे तो मैं दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो मैंने उस जलसे को देखकर यह फैसला किया कि अब पीएसपी के साथ जो हमारी मुलाकातें हुई हैं, एक दो मुलाकातें और अनीस कायम खानी भाई के साथ, अब फाइनल करें और फाइनल करने के बाद हम आगे बढ़ें। हमने एक एजेंडा सेट किया, ये जो मैंने लिखा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख ले कि इस एजेंडे पर मैंने बात की, लेकिन मेरे भाई और मेरे दोस्त ने इस एजेंडे पर बात नहीं की। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि फारूक भाई महाजर नाम ना लें, महाजर सियासत बंद कर दें, महाजरों की कुर्बानियों का जिक्र बंद कर दें आप। तो भाई फिर मैं
कोटा सिस्टम की बात ना करूं, और कोटा सिस्टम 2013 में खत्म हो गया, उसके बावजूद इश्तिहारात हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नोटिस क्यों नहीं लेती सुओ मोटो, फिर भी उसी कोटे पर अमल हो रहा है। आज भी हमारा इस्तेसाल हो रहा है, मर्दुमशुमारी में हमें कम गिना गया। यार हम अदालत में गए, कल हमने मफाहमत किया, उन्होंने मर्दुमशुमारी पे मुझे सपोर्ट किया। वसीम अख्तर से आपको बैर या बुग्स हो सकता है, लेकिन यार बल्दियाती निजाम के लिए हमने पिटीशन की है, आइए ना आप को पिटीशनर बने ना उसमें, को पिटीशनर बने उसमें आप हमारे साथ खड़े हों। आप बताएं कि आप भी मेयर थे कभी कराची के, आप भी कभी कराची के मेयर थे, आप भी इस निजाम से गुजरे हैं, आपके पास इख्तियारात थे, वसाइल थे, वसीम अख्तर के पास समझाए उनको यार, वसीम अख्तर के पास हमने कहा 5 नवंबर को आवाम ने हमें बड़ा बना दिया, हमारे बड़े होने को तस्लीम कर लिया, अब हमें भी बड़े ज़र्फ का, आला ज़र्फ का मुजाहरा करना है। अल्लाह ताला ने हमारे कद को दराज कर दिया 5 नवंबर के जलसे के बाद, हमें इज्जत, तो आप नारे रुकवा दें, सुने भाई, फारूक सत्तार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने घर के बाहर, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान भी आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि उनका रवैया इंतहाई जारहाना था, जज्बाती था, वो लोगों को एक जानब करते हुए आगे बढ़ गए हैं, उनको अंदर बुलाने की कोशिश करी फारूक सत्तार ने, वो आठ हो गए कि 5 नवंबर को आवाम ने हमें हमारे बड़े होने को तस्लीम किया, हमें बड़ा मान लिया, कराची की हालिया तारीख में होने वाला सबसे बड़ा जलसा आम का इनेकाद एमकेएम पाकिस्तान ने किया, तो मुझे ये एतमाद मिला कि अब हम कराची में सियासत करने वाले तमाम छोटी बड़ी जमातों को अपने साथ लेकर चलें, उनके हाथों में अपनी उंगली पकड़ाएं, उनके हाथों में अपनी उंगली पकड़ाएं और उन्हें साथ लेकर चलें। तो हमने कल का ये अमल किया, अपनी उंगली पकड़ाई हमने, पहुंचा नहीं पकड़ाया था, उंगली पकड़ाई थी हमने, उंगली पकड़ाई थी हमने, उंगली पकड़ाई थी, पहुंचा नहीं पकड़ाया था, तो हमने कहा हम साथ लेकर चलें सबको।
लेकिन कल का दिन हम एक ही सियासी अमल की पैदावार हैं, मिडिल क्लास, आप भी और हम भी। आप कहां रहते थे 30 साल पहले, आज कहां पर रहते हैं? मैं 30 साल पहले भी इसी मकान में रहता था और आज भी इसी मकान में रहता हूं, और इंशाअल्लाह ता हयात इसी मकान में रहूंगा मैं। हमने मफाहिमत इसलिए की कि महाजर कातिल, महाजर मख्तूल की सियासत को दोबारा कराची में आने की इजाजत ना दें। लेकिन और कारकुनों को तलखीन की कि एक दूसरे का एहतराम करें, कारकुन अपने मुखालिफ कारकुन को बर्दाश्त करें। हमें बर्दाश्त और तहम्मुल का एक कल्चर पैदा करना है, पढ़ी लिखी MQM बनाना है। MQM एस सच या एस ब्रांड बुरी नहीं है, कोई सियासी जमात बुरी नहीं होती, उसमें बुरे लोग उस जमात को बुरा बनाते हैं। तो भाई ये फैसला करें MQM से बुरे लोगों को मैं और मुस्तफा कमाल निकालें, ना कि वो बुरे लोगों को आप PSP में शामिल कर दें और ड्राई क्लीन कर दें उनको। भाई बात तो ये करें, मेरी मदद करें बुरे लोगों को निकालने में, मेरे साथ आकर शामिल हो। मेरी आज भी पेशकश है कि MQM पाकिस्तान में आकर आप शामिल हो। ये आपकी रूट है, ये आपकी ओरिजिन है, यही आपका खमीर है, यही आपकी जड़ है। आप अपने कबीले से, अपनी कम्युनिटी से अलग नहीं हो सकते। PMLN की सियासत पंजाब तक महदूद है या ज्यादा हजारा के इलाके में, JUI पख्तून बेल्ट में है बलूचिस्तान के या KPK में, ANP पख्तून बेल्ट में है बलूचिस्तान में थोड़ी या KPK में, कहाँ एक सीट है ANP की इसके अलावा कहीं, बताइए आप। PTI से ये उम्मीद जरूर थी कि वो एक कौमी सियासी जमात बनेगी, लेकिन 2013 के बाद जब 2015 के बल्दियाती इंतखाबात हुए, 2013 में PTI कराची में दूसरे नंबर पर थी, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में चौथे नंबर पर, MQM पहले नंबर पर, PMLN दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, और चौथे नंबर पर PTI है कराची में। और PS 114 के इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी नंबर 1 थी, हम नंबर 2 थे, फिर PMLN थी, फिर PTI थी चौथे नंबर पर, ये बता। तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टियां अपने आप को कौमी जमात होने का कहती हैं, दरअसल उनके मैंडेट भी इलाकाई और लसानी है। ये फ्रॉड है, ये पाकिस्तान की सियासत में फ्रॉड हो रहा है या नहीं है? अंदरून सिंध PMLN की कितनी सीटें बताइए, या PMLF है, वो PML मुस्लिम लीग का दूसरा धड़ा है, PMLQ हो सकती है, या NPP है, या वो आजाद हैं, जो भी हैं, लेकिन PMLN की सीटें कहाँ हैं? तो PMLN भी कोई पूरे वफाक की नुमाइंदा जमात नहीं है, कोई एक रहनुमा या एक जमात कौमी उमंगों की तर्जुमान या पूरे कौम का इतमाद नहीं रखती। तो हमें क्यों शर्म आएगी अगर हम महाजरों की और इलाकाई सियासत, हाँ उसमें लिसानियत को हम खुदा ना खास्ता अपना हथियार बनाकर लोगों को किसी और जबान बोलने वाले से नफरत पर आमादा नहीं करेंगे, नफरत का प्रचार नहीं करेंगे। हाँ हमारी कुर्बानियां जरूर गिनवाएंगे, क्योंकि जरूरत है गिनवाने की। इस मुल्क को बनाने में और कोटा सिस्टम हम पर सारी लानते हम पर, भाई सूबे की तहरीक, कल ये भी बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लंदन से कहते हैं सूबे की तहरीक चलाएंगे और यहां माजिर कटता है। तो चलो भाई लंदन वाले तो हमने भी खामोश कर दिया, हाई कोर्ट ने भी खामोश कर दिया, हम भी कतए ताल्लुक हो गए, लेकिन अब हम तो फैसला करें अपने मुस्तकबिल का। अब हमें तो कुछ सोचना होगा, इस कौम को कहां ले जाना है, हमारा मुस्तकबिल क्या है।
ये मुस्तकबिल है हमारा। एक साल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के बावजूद ऐसा लगता है कि हमें तस्लीम नहीं किया गया। अगर मैं शहदा के मजार पर हाजिरी देना चाहता हूं, मैं शहदा यादगार पर हाजिरी देना चाहता हूं, तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं शहीदों के मजार पे, उनकी खबरों पे जाऊंगा, तो क्या इसका मतलब है कि मैं लंदन से कनेक्टेड हूं? मेरे शहीद लंदन की लेगेसी नहीं है, मेरे शहीद पाकिस्तान के इस्तेकाम, कयाम, पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। अपना एक सियासी किरदार अदा किया, जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उन शहीदों, मुझे क्यों नहीं जाने की इजाजत मिलती, मैं क्यों नहीं जा सकता हूं वहां? मैंने तहैया किया कि मुझे जाना है वहां पर, अब हमें हाजिरी देनी है वहां पर, हम जाएंगे वहां पर, हमें कोई नहीं रोक सकता। और कराची की आवाम इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होंगे जब मैं निकलूंगा इंशाअल्लाह। एक और बात, ये मैंने 5 नवंबर बता दिया, उसकी अहमियत बताई। हम चाहते थे कि उंगली पकड़ाए, सबको साथ लेकर चलें, लेकिन उसका यह मतलब लिया गया कि हम एमक्यूएम पाकिस्तान खत्म कर रहे हैं। मैंने 10वें इंटरव्यूज में कहा, 5 नवंबर को मैंने कहा, भाई एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी जगह कायम है। हां, सियासी इत्तेहाद और अलायंस का कोई नाम हम आपके साथ मशवरा करके बनाएंगे, अलायंस का नाम, और उसके लिए कोई निशान लेना है, हमारी तरजीह होगी कि पतंग हमारी शनाख्त है, पतंग हमारी जिंदगी है, हमारा एक मंशूर है। पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी हैसियत का तायुन होना चाहिए। ये हम अपने मंशूर से कैसे निकालेंगे? अगर पीएसपी वाले जो मुश्तरका मंशूर बनाने की बात की, उसमें नहीं मानेंगे कि भाई जो जुल्म और ज्यादती महाजरों के साथ कर, फिर महाजरों के साथ अब तो जुल्म की चक्की में पंजाबी, बलोच, पख्तून, सिंधी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती सभी पिस रहे हैं। ये जो गिनती कम की गई है कराची में, सिर्फ खवातीन को गिना गया 1.5 करोड़, मर्दों को तो गिना ही नहीं गया बाकी 1.5 करोड़। तो वहां ये एमक्यूएम की तकसीम के तासुर से फायदा उठाया वफाकी हुकूमत, सेंसस कमीशन, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, महकमा शुमारियात ने हमारा बारीक काम कर दिया, जुल्म और नाइंसाफी का पहाड़ हमारे ऊपर तोड़ दिया। ये हुआ है, ये बात करते मैं और कल मुस्तफा भाई बैठकर, ये कल हम इसलिए जमा हुए थे कि जो जुल्म हो रहा है सिंध के शहरों पर, यहाँ की आबादी को कम करके, यहाँ की सीटों को कम करके, यहाँ की नशिस्तों को कम करके, ये वाली बातें तो की नहीं। तो फिर खैर, हम तो बड़े बन गए। आज राबता कमेटी ने इजलास किया है, मेरी नाराजगी है, मैं इसलिए उस इजलास में नहीं गया, सीधी सी बात है। उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन अगर उनमें से किसी को भी मुझ पर, मेरी कयादत पर, मेरे तरीकाए रहनुमाई पर कोई भी तहफ़ुज़ात हैं, तो सोशल मीडिया और बाकी मीडिया में करने की जगह मेरे साथ बैठे और मामले को समझे। मैं अब सोशल मीडिया पर पार्टी का डिसिप्लिन है, आप अपने प्राइवेट ग्रुप्स बनाएं, लेकिन जो पार्टी के ग्रुप्स हैं उन पर सिर्फ पार्टी की पॉलिसी, पार्टी का डिसिप्लिन और पार्टी का नजरिया, और पार्टी में जो इख्तलाफ राय का तरीका है, उस तरीके से इख्तलाफ राय का इजहार होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा
तो फिर मेरे और उनके रास्ते अलग होंगे। अब मैं फिर पूछूंगा इनसे कि भाई मुझे सोशल मीडिया के जरिए से मैसेजेस नहीं चाहिए, मुझे मेरे सामने चाहिए। राबता कमेटी में लोग बोलते हैं, कल जब पीएसपी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, राबता कमेटी के आधे से ज्यादा लोगों ने तहफुजात का इजहार किया, लेकिन मैंने राबता कमेटी को भी एतमाद में लिया, मैंने कराची के सारे जिम्मेदारों को बुलाकर उन्हें भी एतमाद में लिया। हम पेन लेते हैं, हम तंजीम हैं, ये MQM महज एक आम सियासी जमात या कोई एक आम नाम नहीं है, इससे लाखों करोड़ों लोगों की मोहब्बत वाबस्ता है भाई, ये करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है, ये लाखों कुर्बानियों की मजहर है, इसे जो है वो हल्का ना लिया जाए, इसे हल्का ना लिया जाए। मैं आखिरी बात ये करूंगा, अगर राबता कमेटी के भी जो साथी कंफ्यूज्ड हैं, राबता कमेटी के जो साथी भी एतमाद में लेने के बाद भी अगर उन्हें ये परेशानी है, तो मेरे सामने आके मुझसे वक्त लें और मुझसे बात करें। देखें भाई, मैं अपना दावा कर सकता हूं, कि मैंने नैप के केस में भी कोई प्री बार्गेन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो इल्ज़ाम लगा था उसकी रकम क्या, उससे 100 गुना कम भी रकम मेरे पास नहीं थी, तो मैं क्या मैंने केस लड़ा और बाइज्जत बरी हुआ। मैं ये क्रीडेंशियल्स मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि जेलों की सहूबतें भी देखी और आज भी मैं गिरफ्तारी से 23 अगस्त को भी मैंने रेंजर मेरे लिए मुझे ये यकीन है कि जनरल बिलाल उस वक्त डीजी रेंजर्स थे, मुझे वो अरेस्ट करना चाहते थे, मुझे रोक लिया था। ख्वाजा इजहार भाई के लिए कहा गया कि आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब को अरेस्ट करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी से दो फोन आए, एक शायद चौधरी निसार का था और दूसरा उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का। यह भी झूठ है कि इशरतुल इबाद उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने कोई किरदार अदा किया, वो भी चलती बस में चढ़ने के आदि हैं, उन्होंने अनीस कायम खानी चलती गाड़ी में चल गए और अनीस कायम खानी उस वक्त हॉस्पिटल में थे, पाबंदे सलासल थे, उनको फोन किया कि मैं रिहा करवा रहा हूं फारूक भाई को। आप बताइए, फारूक भाई को फरिश्तों को आज तक पता नहीं कि मुझे किसने रिहा कराया, और वो क्रेडिट ले रहे हैं दुबई से बैठ के कि मैंने रिहा करवाया, और वो भी अनीस कायम खानी को। तो चूंकि मैं रिहा करवा रहा हूं, मुझे लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अगर कोई लंदन के खिलाफ करें तो आप ही पीएसटी वालों को वहां भेज दें और आप सब साथ खड़े हो जाएं, और फिर मैं आप दोनों की पीठ थपथपा दूंगा और आपकी तारीफ। देखिए, मैं नहीं बोलना चाहता, इशरत भाई भी मेरे लिए, उनकी भी मेरे दिल में इज्जत है, हमारे वो गवर्नर रहे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अनीस कायम खानी भाई को ये कहा, तो खुदा की कसम, एक सहाफी को फोन आया 23 अगस्त को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस सहाफी ने कहा इशरत भाई बात करेंगे, तो इशरत भाई ने तो नहीं कहा कि मैंने आपको छुड़ाया, अनीस भाई को बता रहे हैं, और वो भी पीएसपी वाले भी ये कहानी लेके चल पड़े। वो रिले रेस होती है ना, कि भाई आपने अगले वाले को डंडा पकड़ाया, उसने अगले वाले को पकड़ाया, वो चल पड़े सब। मैं ये संजीदा बातें कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मेरा तरीका है बयान थोड़ा सा जो है वो तंजो मिजा वाला हो, लेकिन इसमें तंज ज्यादा है, मिजा कम है, ये तंज वाला है। एक कह रहा है कि मैंने छुड़ाया, दूसरा उसको न्यूज को अब लीक कर रहा है एक साल के बाद। पूरी दुनिया ने देखा मुझे, ठाकुर जब ले गया तो मैं कह रहा था मुझे दो जुमले बोलने दो, वो वही दो जुमले थे जो मैंने 23 अगस्त को बोले। मुझसे कहा गया कि आपको हम गिरफ्तार करेंगे, आपको राव अनवार के हवाले करें या किसके हवाले करें, मुझे पूछा गया,
तो मैंने वहाँ रेंजर्स वालों से कहा, जनरल बिलाल से, कि आप मुझे अपने पास ही रख लें, यहीं मुझे रख लें, आप जो इंट्रोगेशन करनी मेरी कर लें, जो इन्वेस्टिगेशन यहीं रख लें, मुझे मुझे किसी के हवाले, मैंने तो वॉलंटियर किया, मैं तो उस रोज़ भी गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन जब मुझे छोड़ा गया, ये अल्लाह का करम है कि दो गवाह थे मेरे, परवेज़ रशीद, वफाकी वज़ीर इत्तला, अब बेचारे को मैंने उनको गवाह बनाया, उन्हीं की छुट्टी बाद में हो गई, परवेज़ रशीद और दूसरा शाहज़ेब खानज़ादा जो जियो का एंकर है, आप दोनों से तस्दीक कर सकते हैं कि मैंने 22 की रात को कह दिया था, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट किसी का नहीं था, जब मैंने 23 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने अपनी मर्जी से अपने होश व हवास में पूरी रात रेंजर्स की तहवील में जागने के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया, क्योंकि मैं अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानी को इस तरह इवन MQM के बानी के हाथों भी पाकिस्तान की रुसवाई मुझे मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया। मैंने कोई दावा नहीं किया मेरा ज़मीर जाग गया, मेरा ज़मीर सोया ही नहीं, तो मैं ये दावा क्यों करूं? हैं भाई, हैं है? साबिर भाई, मेरा ज़मीर सोया ही नहीं, तो मैं ये क्यों दावा करूं कि मेरा ज़मीर जाग गया, जो बहुत सारे लोगों का अचानक जागता है। मैं तो 22 की रात को भी वही बात कर रहा था जो मैंने 23 की दोपहर को की, और मैंने बताया, क्या बताया, कि भाई अब बस बहुत हो गई, अब इससे आगे लंदन से पार्टी नहीं चल सकती, जो मैं कह रहा हूं, मेरी 35 साल की क्रेडिबिलिटी साख है भाई, उसके होते हुए मुझे मेरे फेस पर लेना चाहिए। मैं तो मुस्तफा भाई को भी, आफाक अहमद भाई को, सलीम हैदर भाई को और अनीस कायम खानी भाई को उनके फेस पे लेता हूँ, लेकिन जहाँ उनके बयान में हकाइक से इनहराफ है, हकाइक से इनहराफ है, तो मैं उसको दुरुस्त करने का पाबंद हूँ। तो मैंने आज क्लियर कर दिया कि मुझे इशरत भाई ने फ़ोन किया 23 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सहाफ़ी के फ़ोन पर, और उसने कहा इशरत भाई बात करेंगे, मैंने बात कर ली, कहने लगे कि शाबाश, जबरदस्त छक्का मारा है आपने, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि उन्होंने मुझे रिहा करवाया, अनीस कायम खानी भाई को बता दिया उन्होंने, मुझे नहीं बताया। अब मैं आता हूं इस बात पर कि मैं और मेरे साथी चाहते हैं कि हम कौमी सियासत करें, पाकिस्तान की सियासत करें, हमसे बेहतर प्रोडक्ट पाकिस्तान की सियासत में किसी और सियासी जमात के पास ये प्रोडक्ट है ही नहीं। मिडिल क्लास की सियासत, आम आदमी को बाइख्तियार बनाने की सियासत, सियासी, माशी, समाजी तौर पर उनको एम्पावर करने की सियासत, ये नारा क्या किसी के पास है ही नहीं, ये MQM पाकिस्तान के पास है। तो ठीक है, अब बात यह है कि हम ये चाहते थे, मगर हमें मुसलसल दीवार से लगाया गया, हमारी सियासी स्पेस को आए दिन तंग से तंग किया गया, हम मजबूर होकर फिर महाजर और महाजरों की सियासत की तरफ वापस जा रहे हैं। यह हमारी चॉइस नहीं है कि हम महाजरों की सिर्फ बात करें, हम हर मजलूम की बात करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान बनाने वाले ही मजलूम हो जाएंगे तो बाकी पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा? वो तो वैसे ही कमी हैं, हारी हैं, बेचारे गुलामों की जिंदगी गुजार रहे, वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों के हाथों में सियासत है, वो तो वैसे ही गुलाम है। तो कल जो कुछ हुआ है, मैंने कहा कि शोदा के कब्रिस्तान पर जाना लंदन से ताल्लुक जोड़ने के मुतरादिफ नहीं है, मेरा हक है, मुझे जाना है वहां, यादगार शोदा पर जाना मेरा, मेरे साथियों का हक है, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, मैं जाऊंगा बिल्कुल अपने शहीदों के कब्रिस्तान पर। हमने लिहाज किया, हमें हुकूमत, वफाकी, सूबाई और इदारों ने कहा कि वहां जाएंगे, बदअमनी होगी तो उस बदअमनी को आप रोकें भाई,
आप प्रोटेक्शन दें, हमें हमारे शोधा की यादगार पर जाने से कैसे रोक सकते हैं आप किसी भी बहाने से? वो कौम की अमानत है, वो लोगों की अमानत है, लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए कुर्बानी दी है, उनकी इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए। महाजरों मजलूमों को इज्जत के साथ जीने इज्जत के साथ मरने का हक, महाजरों और मजलूमों को इज्जत के साथ जीने और मरने का हक दिलाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। मैं क्यों ना जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश करूं? मेरा हक है भाई, मैं कैसे ना जाऊं? मैं जाऊंगा वहां पर। MQM का झंडा है लाल हरा सफेद और पतंग, ये भी महाजिर कौम कहें, ब्रादरी कहें, तबका कहें और मजलूमों के जज्बात के साथ वाबस्ता है भाई। अगर आज उनके बानी और कायद ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार के अपनी क़यादत से उनको महरूम कर दिया है तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें MQM पाकिस्तान से अगर महरूम किया जाएगा, जितने एतमाद के साथ PSP वाले कह रहे हैं खत्म हो गई दफन होगी, अगर ऐसा होता है और होगा और किसी जबर की वजह से होगा तो फिर उसके बाद हमें बता दिया जाए कि हम पाकिस्तान में हमें जिंदा रहने का हक है, पाकिस्तान में हमें सियासत करने का हक है, पाकिस्तान में हमारी बुनियादी हुकूक है, हमें बता दिया जाए, हम खुद अपनी दुकान बंद करेंगे और चले जाएंगे, किसी को ये जहमत नहीं देंगे कि वो हमारे मरने का इंतज़ार करें और हमें दफनाएं। हम उनके हाथों से दफन होना भी पसंद नहीं करेंगे भाई। अब मैं ये समझता हूँ कि कल जो कुछ हुआ वहाँ पर, मेरे मफाहिमती जज्बे को जिस तरह रिस्पॉन्ड किया गया, जिस तरह मेरी हौसला शिकनी हुई, मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, सदमा हुआ, और फिर मैं नेक नियती और अखलास से कहा से काम करूं और मेरे कारकुनान भी ये सोचने लगे कि ये ज़मीर फरोशी तो नहीं, ये कहीं MQM को बेच तो नहीं दिया मुझे सुने बगैर समझे बगैर। तो अगर कारकुनान का एतमाद भी नहीं है, फ़र्ज कर लें जो रोए लेकिन मेरे साथ छेड़ नहीं किया, मेरे घर आ जाते, मुझसे बात करते, राबता कमेटी के अगर साथियों में ये था, तंजीम के किसी ढांचे में ये था, मेरी 35 साल की जो कमाई, मेरी जमा पूंजी सिर्फ और सिर्फ इज्जत 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 और 268 PIV कॉलोनी, इसके अलावा कोई मेरी मता नहीं है, कोई मेरी प्रॉपर्टी कुछ नहीं, कोई बैंक बैलेंस ना बाहर ना यहाँ कहीं नहीं है। बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ, दावे ना मेरा कारोबार है, ना मेरी जायदाद है, ना मेरी ज़मीनें हैं। जब ये सूरत हाल है तो फिर एक तरफ आप यहाँ से किक मारें और दूसरी तरफ कारकुनान MQM पाकिस्तान के शको शुबे में और कन्फ्यूजन में मुब्तला हो जाए, जबकि फैसला मशावरत से हुआ था। तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राबता कमेटी की, तो वहां पर साथी जो उस मशावरत में शामिल थे कहते मैं शामिल था, आमिर भाई को कन्फ्यूजन नहीं होता, वो प्रेस के सामने कहते मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मुझ पर एतमाद का इजहार किया। लेकिन जो मशावरत में शामिल था, वसीम अख्तर भाई, फैसल सजवारी भाई, ख्वाजा इजहारुल हसन भाई, कामरान टिसूरी भाई, मोहतरमा नसरीन जलील बाजी और कंवर नवेद भाई, फिर आखिर में अमीनुल्लाह भाई को भी बुला के बता दिया गया था, फिर राबता कमेटी को एतमाद में लिया गया, खालिद मकबूल सिंगापुर में, उनको एतमाद में नहीं लिया जा सका। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फैसला किया और मुसल्लत कर दिया, ऐसा हरगिज नहीं है। सबको एतमाद में लिया गया, सबको उसके मुहर्रिकात बताए गए कि हमें बड़ा बनना है। अब हम अल्लाह के फजलो करम से ऊपर हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना है, ये हमने फैसला किया, इसमें बड़ाई है। और ये
कौन सी ऐसी बुरी बात हो गई कि जो हमें दफन करने की बात एक दिन पहले कर रहे हैं वो हमारे पहलू में बैठे हुए हों अगले दिन, परसों दफन करने के दावे करें और अगले दिन मेरे पहलू में बैठे हुए हों, तो ये तो मुझसे सवाल नहीं। अब मैं एक आखिरी बात कर रहा हूं कि चूंकि मुझे तकलीफ हुई, दुख हुआ पीएसपी के लोगों के रवैये से भी, मुस्तफा भाई की गुफ्तगू से भी, मेरे एहसन इकदाम को, मेरे नेक नियति से अखलास से उठाए हुए इकदाम पर जो गुफ्तगू उन्होंने महाजरों की दिल आजारी करके की, हमारे दिल गिरफ्तार हैं, हम दिल गिरफ्तार हैं भाई, रंजीदा हैं, तो मैं ये समझता हूं। और फिर मेरे कारकुन भी अगर एतमाद ना करें और वो भी सोशल मीडिया पर हमारी 35 साल की मेहनत को दरिया बुर्द कर दें, तो फिर मेरा सियासत करने का फायदा क्या, मेरा सियासत में रहने का फायदा क्या? आप जाने, आपकी पीएसपी जाने, और बाकी लोग जो हैं वो आप जाने, आपकी राबता कमेटी और आपकी एमकेएम पाकिस्तान आप जाने। मैंने एक फैसला कर लिया है कि इज्जत के साथ जीना है और इज्जत के साथ मरना है। तो फिर अगर कारकुनों का इतमाद जरा सा भी, ये जरा सा इतमाद हिला है, मुझे ये गवारा नहीं है कि कारकुनों का इतमाद अपने सरबरा पर रहो। मुझे कोई कायद बनने का शौक नहीं है भैया, मैंने तो अपनी तस्वीर भी, एक पोस्टर मेरी तस्वीर का नहीं है, जिन्हें शौक है वो जरूर लगाएं। तस्वीर के बगैर लोग आपको पहचाने, 35 साल की आपकी मेहनत का मुआवजा यह है कि लोगों को पता हो कि आपने उनके लिए क्या किया है, ये हमारा रिवॉर्ड है भाई। और लंदन वाले तो लंदन में थे ना, उनके भी अच्छे बुरे को हम ही डिफेंड करते थे। यहाँ किसी बुरे वक्त में मैं नहीं भागा, मैं दुबई नहीं गया, कारकुनों के साथ रहा हूं। तो कारकुनों के जहनों में ये शायबा भी आ जाए कि हम जमीर फरोशी करेंगे, हम एमक्यूएम को बेचेंगे, तो फिर ऐसी एमक्यूएम के साथ मुझे रहना गवारा नहीं। फिर एमक्यूएम पाकिस्तान भी राबता कमेटी की मिल्कियत है, कारकुनों की मिल्कियत है। अगर हम जमीर फरोशी करें, हम एमक्यूएम को बेचें, तो हम पाकिस्तान में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर हूं इंशाल्लाह। तो देखें हमने कितने में एमक्यूएम बेची, जरा मुझे हिसाब किताब को हिला कर दे। जो ये कहते हैं कि इस मसले पर बात होनी चाहिए, तो फिर करें वो बात। मैं आज यहां पर हूं और दो बातें करता हूं कि मैं कल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोधाए करबला का चेहलम है, तो मेरे लिए भी इज्जत के साथ उनके चेहलम के मौके पर अपनी इज्जत को बचाकर पार्टी से अलहदा हो जाना, अलग हो जाना, पार्टी से नहीं सियासत से ही। अभी खामोश हो जाए, सुने भाई। मैं बस बस बात सुने नहीं, मैं और देखें मुझे पता है कि इस पर भी कमेंट आएंगे, सोशल मीडिया पर भी आएंगे, और सोशल मीडिया पर भी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आएंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि ये वही ड्रामा है जो लंदन वाले करते थे। मैंने खुदा की कसम मीडिया के अलावा किसी को नहीं बताया था कि मैं आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ।
मैंने किसी को नहीं बताया मैं आज क्या करने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता यहाँ राबता कमेटी या किसने ये यहाँ कारकुनों को बुला लिया। मैंने ये ज़रूर कहा कि मैं नाराज़ हूँ कुछ बातों पर, मैं आज बहादुराबाद नहीं आऊँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, आप मुझ पर एतमाद का इजहार करें। लेकिन आप में से जो लोग मशावरत में शामिल थे उन्हें कम अज़ कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आके कहना चाहिए था। फैसल भाई को, इजहार भाई को, वसीम भाई को, नसरीन बाजी को, कामरान भाई को कि हम मशावरत में थे। और ये फारूक भाई, भाई नहीं 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 बाजी, अभी एक मिनट ठहर जाए, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अभी ठहर जाएंगे। तो मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने पार्टी क़यादत और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये मनाज़िर आप इस वक्त फारूक सत्तार की रिहायशगाह PIB कॉलोनी से इस वक्त बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं, जहाँ फारूक सत्तार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी सियासी जिंदगी का अहम तरीन फैसला कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने कह दिया है कि कोई ये ना समझे कि लंदन से जिस तरह बातें सामने आती थी कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, क़यादत छोड़ रहे हैं, और उसके बाद वापस ले लिया जाता था, मैं आज ये फैसला कर रहा हूं, ये ऐलान कर रहा हूं कि मैं पार्टी क़यादत से दस्तबरदार हो रहा हूं, मैं सियासत छोड़ रहा हूं, मैंने इज्जत के साथ अब जीने और मरने का फैसला कर लिया है। फारूक सत्तार कह रहे हैं कि ऐसी MQM के साथ रहना गवारा नहीं जहां कारकुनान शक करें, और ऐसी सियासत का क्या फायदा। वो कह रहे हैं कि आपको राबता कमेटी मुबारक, आपको MQM मुबारक, आप अपने पास राबता कमेटी रखें, अपने पास MQM रखें। आज मैं MQM और सियासत छोड़ने का वाज़ह तौर पर ऐलान करता हूं, मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। ये कहना था बाद हमने देखा कि कारकुनान ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि फारूक सत्तार कहीं नहीं जाएंगे, आप ही हमारे कायद होंगे। उसके बाद हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप फारूक सत्तार के करीब आ गई, नसरीन जलील आ गई, वसीम अख्तर आ गए, इसके साथ साथ फैसल सब्जवारी आ गए और कामरान टिसोरी आ गए, और उन्होंने फारूक सत्तार को रोक दिया कि वो नहीं बोले। लेकिन फारूक सत्तार ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैंने ऐलान कर दिया है, मैं दस्तबरदार हो रहा हूं। परसों चेहलम के बाद आज चेहलम पे मैंने ये ऐलान किया, एक मुकद्दस दिन है। मैं परसों अजीजाबाद शोधा के मजार पर जाऊंगा, शोधा यादगार पर जाऊंगा परसों में। Hadi 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 had